शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, शास्त्रों में माघ मास की षट तिला एकादशी व्रत का बड़ा पुण्य बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु जी का तिल से पूजन करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में षट तिला एकादशी कब है, दिन व दिनांक क्या रहेंगी, एकादशी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है और पारण का समय क्या रहेगा। दर्शकों, एकादशी व्रत से पहले एक दिन यानी कि दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें और एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले विष्णु प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर चंदन से उनका तिलक करते हुए विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा में विष्णु जी को धूप दीप नैवेद्य तुलसी के पत्ते पीले फल फूल व तिल जरूर अर्पित करें। षट तिला एकादशी पर 6 तरह के स्नान उपटन आहुति तर्पण दान और खाने के रूप में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। अंत में एकादशी व्रत कथा का पाठ कर आरती कर लें। द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा कर व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन व अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करें। दर्शकों, साल 2024 में षट तिला एकादशी 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को है। 7 फरवरी को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा सुबह 7:06 से 9:18 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर के 2:02 पर। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 5 फरवरी की शाम 5:24 पर और समाप्ति होगी 6 फरवरी की शाम 4:07 पर।